नमस्कार आई एम हरप्रीत कौर एंड अ वेलकम यू ऑल वेरी वार्मली टू अर लाइव एंड इंटरक्टिव सेशन जी हाँ आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे ये लाइव ट्रांसमिशन हमारे ई विद्या चैनल नंबर टेन पर और हम आपको बता दें कि आप जो हमारे ये लाइव सेशन देख रहे हैं ये हमारे क्लास टेन के स्टूडेंट्स के लिए है आज का जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस और जो टाइटल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड दिस इज शनलिज्म इन इंडिया पार्ट वन तो आज इस टॉपिक से जुड़े हुए कोई भी आपके क्वेश्चंस हो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस आप सर से बात कर सकते हैं जी हाँ जो है हमारे एक्सपर्ट आज के सेशन के और हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस भी कराएंगे तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस उनसे कराते हैं आज इस पूरे सेशन में इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर साईनाथ कबाड़े ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डी ई एस एस एनआई एन सी आर टी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार नमस्ते तो व्यूवर्स और स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि आप सर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं नोट कर लीजिए हमारा फोन नंबर जो है डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन जी हाँ ये हमारा फोन नंबर है और अगर आप ईमेल के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं कोई भी क्वेरी हो कोई भी सजेशन हो कोई फीडबैक हो जो आप हमें देना चाहते हैं प्लीज हमें ईमेल लिखिए हमारा ई मेल आई डी है डी टी एच डॉट क्लास टेन एट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट इन तो चलिए अब हम सेशन में आगे बढ़ते हैं और मैं एक बार फिर आपको बता दूं क्लास टेन के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस विषय के अंतर्गत आज हमने टॉपिक लिया है नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट वन सो नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद yes. और आज हम इसका पार्ट वन करने जा रहे हैं तो मेरा सर पहला क्वेश्चन यही है कि Uh, क्यों ना हम राष्ट्रवाद को ही समझें कि नेशनलिज्म okay. का अर्थ क्या है हाँ uh, तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं एक रोचक संकल्पना जो कि भारत में राष्ट्रवाद ये है और दसवीं कक्षा में अध्याय क्रमांक दोन में भारत में राष्ट्रवाद uh, इस विषय पर चर्चा हुई है भारत में राष्ट्रवाद इसकी विभिन्न पहलू विभिन्नताएँ विशेषताएँ इस पे चर्चा की गई है आ, अभी आपने जो जैसा कि पूछा कि राष्ट्रवाद क्या है इस पे हम अभी धीरे धीरे चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो तो राष्ट्रवाद क्या है तो आ, हमें अभी मालूम है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने आ, मना रहे हैं और हमारे आजादी को पचहत्तर साल पूरे हुए हैं इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमें जो एक भावनिक प्रेरणा जो चाहिए थी तो वो राष्ट्रवाद से प्राप्त हुई और राष्ट्रवाद ये भारत के लिए नया नहीं था भारत में ये प्राचीन हमें ऐसे कुछ उदाहरण मिल सकते हैं कि राष्ट्र और राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ उसमें संकल्पनाएं जुड़ी हुई थी और अभी जो राष्ट्रवाद हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रवाद के जो भी आंदोलन या कुछ मोमेंट्स हम देख रहे हैं वो सभी उसी का एक परिणाम हमें आ, दिखाई देता है राष्ट्रवाद जो आ, उसकी गति बढ़ गई वो अठारह के बंड के या उठाव के बाद उसको गति मिली हुई है ऐसा हमें समझ में आता है और जो हम राष्ट्रवाद की संकल्पना सबसे पहले समझेंगे तो क्या है राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद अपने बारे में लोगों की जो समझ है उसमें बदलाव आना अपनी पहचान परिभाषित करना अपने राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा कर होना और उसके साथ इसका परिणाम स्वरूप नए प्रतीक नए चिन्ह गीत और विचार स्थापित होना और वो परिभाषित करना यह है जी। इसके आगे जाकर हमें हम यह देखते हैं कि आधुनिक राष्ट्रवाद ये भी इसका एक परिणाम हमें दिखाई देता है जो कि अपने इस पाठ और अध्याय में इसकी चर्चा हुई है आधुनिक राष्ट्रवाद क्या है तो उपनिवेशवाद विरोधी जो आंदोलन हुए उसके खिलाफ जो संघर्ष हुआ तो उसके कारण भारतीयों में एक आपसी एकता की पहचान मिली और वो एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए प्रेरण प्रेरक रहे और उसके साथ उत्पीड़न दमन शोषण के जो भाव विभिन्न समूह को एक दूसरे से बांध रही थी तो वो भी राष्ट्रवाद या आधुनिक राष्ट्रवाद का ही परिणाम था और इसके साथ हम राष्ट्रवाद आधुनिक राष्ट्रवाद के लिए जैसे कि एक साधारण व्याख्या जैसे कर सकते हैं जैसे कि अपना व्यक्ति राज्य प्रांत भाषा ये जैसी संकुचित जो पहचान थी इसको छोड़कर एक व्यापक पहचान बनाने का वो प्रयास कर रहा था जिसे राष्ट्रवाद हम कह सकते हैं जी सर आपने कितने अच्छे समझाया कि जो राष्ट्रवाद था बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जहाँ पर लोगों ने अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भुलाकर राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई आप पर यू नो अत्याचार कर रहा है अगर आपको कोई सप्रेस कर रहा है कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उस इंसान से उस सिस्टम से लड़ने के लिए आपको एकजुट होना पड़ता है और गलत के ख़िलाफ़ आज यू नो आवाज़ उठानी पड़ती है और यहाँ तो बात हमारे देश की थी हमें अपने देश को आज़ाद कराना था अंग्रेज़ों से तो सर बहुत ही खूबसूरत आपने राष्ट्रवाद की बड़ी इंस्पायरिंग सी परिभाषा आपने हमें बताई है सर हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में जब हम बात करते हैं सोशलिज्म की राष्ट्रवाद की तो हमारे पास कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं सत्यग्रह अहिंसा सत्य की राह पर चलना बेमानी को कुचलना अहिंसा की राह पर चलना अपनी बात कठोरता से रखना लेकिन हिंसा का पालन ना करते हुए तो सर थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगी सत्याग्रह के इंपोर्टेंस के बारे में बताएं हमें ओके तो आ, सत्याग्रह और अहिंसा जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनके जो आंदोलन है उनका केंद्र रहा और ये सत्याग्रह अहिंसा ये अपने भारतीय आध्यात्मिक अध्या मूल्यों से लिया गया आ, ये दृष्टिकोण था जी। और महात्मा गांधी इससे प्रेरित थे भारतीय धर्म और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में हमें यह मूल्य प्राचीन काल से दिखाई देते हैं जी। जैसे कि सत्याग्रह में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सत्य जी और इस सत्य की शक्ति का आग्रह करना सत्य की खोज पर जोर देना और सत्य के लिए लड़ना यह महत्वपूर्ण केंद्र सत्याग्रह का था सर बिल्कुल आपने सही कहा सत्यग्रह यानी सत्य की खोज करना और सत्य के लिए लड़ना और मुझे लगता है सर उस वक्त जो ये कॉन्सेप्ट जितना रेलिवेंट था जब देश को आज़ाद कराने की बात थी तो आज जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके कंधों पर भी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप भी सत्य करें आज भी अगर आपके खिलाफ कोई गलत कुछ करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं क्योंकि बात चाहे देश की हो बात चाहे इंडिविजुअल यू नो कॉन्सेप्ट की हो सत्याग्रह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रेलिवेंट है लोग yes. सच्चाई की ताकत को पहचानते yes. नहीं लेकिन जब सच का बोल होता है, तो सबको समझ आ जाता है yes. जी। और इसको मैं जोड़ना भी चाहूंगा सत्य सत्याग्रह क्या है कि एक आत्मबल है शुद्ध आत्मबल। बिल्कुल सर और जो भी हम कार्य करने जाते हैं संघर्ष हो या कोई भी उसका केंद्र जो सत्य होगा उसका आग्रह करेंगे तो हमें निश्चित स्वरूप से उससे यशस्विता प्राप्त हो सकती है और इसके लिए हमें हिंसा की जरूरत नहीं है।, नहीं है हाँ तो आ, इस अहिंसा के तत्व को लेकर ही महात्मा गांधी आगे जाने के लिए हमें प्रेरित करते थे अहिंसा की अहिंसा की संकल्पना भी आ, हम यहाँ समझने जा रहे हैं बिल्कुल तो हम अहिंसा के बारे में समझेंगे कि कैसे आपको सत्य पर तो अडिग रहना ही है लेकिन सत्य को साबित करने के लिए हिंसा करने की जरूरत नहीं होती समय बताता है तथ्य बताते हैं और सच सामने आता है तो अब हम देखते हैं कि कैसे अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए और सत्यग्रह की राह को पकड़ते हुए आ, हमारे जो देशभक्त रहे हमारे जो लीडर्स रहे उन्होंने देश की आजादी को प्राप्त किया सर प्लीज हमें अहिंसा के बारे में बताएं अहिंसा भी एक आध्यात्मिक मूल्य है जैसे कि हमारे भारतीय धर्मों में और संस्कृति में और आध्यात्मिक तत्वज्ञान में हमें अहिंसा का मूल्य दिखाई देता है अहिंसा मूलतः इतनी व्यापक स्तर भारतीय धर्मों में और आध्यात्मिकता में इतने अच्छे तरह से और सखुलता से इस पे विवरण मिलता है जो कि अहिंसा ये तीन स्तरों पे उन्होंने दिखाई दी है जैसे कि हम शारीरिक स्तर पे मानसिक स्तर पे और अपने वाचा स्तर पे जो हम बोलते हैं तो शारीरिक स्तर पे भी हिंसा नहीं होनी चाहिए दूसरी अपनी मानसिक स्तर पे भी हमने आ, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए और हम बोलकर वाचन स्तर पे भी हमें हिंसा करनी नहीं चाहिए, चाहिए। और महात्मा गांधी ने इसी को केंद्रभूत रख कर अपने जो आंदोलन थे तो इस पे उन्होंने प्रकाश डाला था भारतीयों को यही मार्गदर्शक तत्व उन्होंने बताया था इस मूल्य पे चलने के लिए आग्रह किया था तो सत्याग्रह का आत्मा अहिंसा था और महात्मा गांधी के विचार के अनुसार हम सच्चे आदेश उद्देश्य से अन्याय के खिलाफ मुकाबला करने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है जी। और उसके साथ प्रतिशोध या हिंसा इसका इसके सहारे भी अपना संघर्ष जो कर रहे हैं उसमें हम सफल हो सकते हैं अहिंसा के इस धर्म के आधार में आधार पर ही हम सारे भारतीय एक हो सकते हैं यह विचार महात्मा गांधी का था। जी बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने हमेशा सच के रास्ते पे चलना सिखाया और सर आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इस चीज से भटकती जा रही है उनको लगता है झूठ बोलकर सत्य की राह पर ना चलकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है जबकि ऐसा नहीं है yes. जो हमारे बच्चे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सेशन देख रहे हैं आई थिंक ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जीवन yes. में भी धारण करने के लिए ये एक बहुत ही रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है सर आगे बढ़ते हैं अभी हम हमारे जो पाठ्यक्रम में जो कुछ आंदोलनों की चर्चा की है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे जो प्रथम था मुझे कुछ पृष्ठभूमि पे पहले हम प्रकाश डालेंगे जैसे कि जो भारत का राष्ट्रवाद है उसकी शुरुआत और धीरे धीरे उसकी जो गति थी सफर में जो गति हमें मिलती है तो अलग अलग स्तर पे हमें वो मिलती है जो कि रचनात्मक कार्यों से हम भारतीय आगे बढ़ रहे थे और इसका स्तर अलग अलग स्तरों में बढ़ रहा था और अलग अलग विविध पहलुओं में इसकी व्यापकता हमें दिखाई दे रही थी तो सबसे प्रथम जो अठारह का जो बंड हुआ था उसमें हमारे भारतीय राष्ट्रवाद की जड़े हमें दिखाई देती है और राष्ट्रवाद से शुरू हुआ ऐसा हम निश्चित स्वरूप से कह सकते हैं इसका परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि भारत में अलग अलग छोटी छोटी संस्थाएं संगठन अपने कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करने लगे और इसका आगे जाके राष्ट्रीय व्यापक स्वरूप में हम राष्ट्रीय सभा या राष्ट्रीय कांग्रेस को देख सकते हैं और इसके साथ अलग अलग जो प्रांत थे वही वहां पर भी अलग अलग स्तर से इसको कुछ ना कुछ योगदान दिया जाता था तो आ, हम यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रीय सभा या राष्ट्रीय कांग्रेस ये सामने रख कर इसका जो सफर था वो हम देखेंगे जो कि अठारह से नाइनटीन उन्नीस 19, तक जो पहला कालखंड प्रथम कालखंड जो था नमस्त कालखंड उसके बाद जिसमें दादाभाई नौरोजी न्यायमूर्ति तलेंग न्यायमूर्ति रानड़े न्यायमूर्ति बदरुद्दीन तैयब जी इन सारे नेताओं का समावेश हमने आ, हम कर सकते हैं उसके बाद द्वितीय दु, चरण में Uh, 1905 से लेकर 1920 तक जिसे हम जहाल कालखंड ऐसा समझते हैं, उसमें आ, बाल गंगाधर टिड़क बिपिन चंद्रपाल और लाल बहादुर अः लाला लाजपत राय लाल बाल ये आ, इनका आ, इन नेताओं का समावेश हम कर सकते हैं इन दोनों चरणों में कार्य पद्धति अलग अलग थी लाल बाल पाल के नाम से ये मशहूर yes, थे yes. जी। और जो निमस्त कालखंड था वो संविधानिक तरीकों से अपना कार्य करता था उनके कार्य पद्धति बहुत ही संवैधानिक संविधानिक रचना में चलती थी उसके बाद जाहल कालखंड में थोड़ा सा उसमें बदलाव हुआ उन्होंने थोड़ी सा उन्होंने थोड़ा आक्रमकता आंदोलन मोर्चे बंद इन स्वरूपों का उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद जो आज का हमारा अध्याय है और मूल केंद्र विषय जो है जो गांधी कालखंड है उसकी शुरुआत हम यहाँ पे करेंगे जो कि उसका कालखंड था उन आ, आ, उन्नीस सौ से उन्नीस तक जी। तक तो आ, इस कालखंड में हम जो आ, गांधी के कार्यों का परिचय हम कर रहे हैं करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी के बारे में हम जानेंगे जी। और संक्षिप्त परिचय है वैसे महात्मा गांधी का बहुत बड़ा परिचय हम दे सकते हैं तो उनका पुराना मोहनदास करमचंद गांधी था उनका जन्म गुजरात राज्य में पोरबंदर यहाँ था, था हुआ था और 2 अक्टूबर अठारह से आ, 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 उनका जन्मतिथि है और उ, उनका कार्यकाल 30 जनवरी उन्नीस तक आ, हम समझते हैं और उसके बाद उन्होंने अपने शिक्षा के बाद बैरिस्टर पदवी उन्होंने प्राप्त की थी और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने जो अपना आ, आ, जो किताबें लिखी सत्य के प्रयोग और हिंद स्वराज्य वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही और उनको राष्ट्रपिता महात्मा और बापू इन नामों से भारत में जाना जाता था जी तो ये तो हमने जाना कि किस तरीके से आ, महात्मा गांधी जी क्योंकि हम गांधी कालखंड के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने उनका एक संक्षिप्त परिचय हमें दिया और हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आ, वो पूरे विश्व में मशहूर हैं क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर चलते थे अहिंसा के मार्ग पर चलते थे ये उनके बहुत बड़े दो प्रिंसिपल्स रहे हैं सर जब हम बात करते हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की तो हम देखते हैं कि हर तरह के फ्रीडम फाइटर्स और हमारे देश में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया वो कभी भी कहीं भी पीछे नहीं थी yes. उनको आगे लाया गया और कास्ट क्रीड ये सब डिफरेंसेस खत्म कर दिए गए रिलीजन के डिफरेंसेस खत्म कर दिए गए क्योंकि देश की आज़ादी ही सबका एक मोटिव yes. था yes. तो सर हम बात करते हैं जब महिलाओं की तो अगर महिलाएं अपने पे आ जाएं यानी वो अपना कोई योगदान देना चाहें तो वो लक्ष्मी चंडी कोई भी रूप धारण कर सकती हैं yes. और यहाँ हमारे देश की महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़ी yes. तो सर उनके योगदान के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं हाँ प्राचीन काल से ही भारत के प्रगति में महिलाओं का योगदान रहा है भारत के विकास में महिलाओं ने अपनी कार्य क्षमता के आगे जाकर जी उस आ, उसका उनका योगदान रहा है तो प्राचीन काल मध्यकाल या आधुनिक काल में जो हम इतिहास पढ़ने जाते हैं तो उनके अनुसार हमें बहुत सारे उदाहरण हमें उपलब्ध होते हैं यहाँ भी हम स्वाधीनता संग्राम जब देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि बहुत मात्रा में बहुत संख्या में कि हमें महिला ही अपने योगदान देते हुए दिखाई देती है जी। शहरी हो या ग्रामीण या आदिवासी या कोई भी क्षेत्र से आप आ, आ, अभ्यास करोगे तो आपको बहुत सारी उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि महिलाओं ने बहुत सारा योगदान दिया है जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई इनका जो अठारह में जो बड़ा योगदान रहा बेगम हजरत महल है उसके बाद बहुत सारी अरुणा है ऐसे बहुत नहीं सारी नहीं। है। बहुत सारी सारी है हमें महिलाओं की उदाहरण नाम के स्वरूप में हम दे सकते हैं जी तो बापू का चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन था सत्याग्रह नमक सत्याग्रह या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो हर जगह महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो चलिए सर सत्याग्रह के बारे में थोड़ा और जानते हैं कहाँ yes. से शुरुआत हुई कैसे शुरुआत हुई महात्मा गांधी के कार्य को जानने के हम जब शुरुआत करते हैं तो हम चंपारण में सत्याग्रह से शुरुआत करते हैं उसके पहले भी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के तत्वों को लेकर उन्होंने अफ्रीका में अपना योगदान दिया था ओके. अफ्रीका में उन्होंने जो नस्ल भेदी और वर्ण भेदी जो परंपराएं थी उससे वहां के लोगों को मुक्त किया था और उसके बाद जब भारत में 1915 में वो आए थे तो उन्होंने भारत भ्रमण किया भारत को जाना और उसके बाद जो यहां की सरकार थी ब्रिटिश सरकार जिनका दमनकारी अत्याचारी शोषणकारी जो नीतियाँ थी उनका उन्होंने पूर्णतः अभ्यास किया और भारत को जाना और इस दमनकारी सरकार के विरोध में जो किया जा सकता है इसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया जी। इसका परिणाम स्वरूप हम यह देखते हैं कि चंपारण्य सत्याग्रह जो कि 1917 में यह आंदोलन या सत्याग्रह उन्होंने आ, किया जो कि बिहार के चंपारण्य का जो इलाका था उसका दौरा किया और वहाँ जो दमनकारी बागान व्यवस्था थी जो कि भारतीयों को जो भी भारतीय किसान है उनको दबावपूर्वक नील की खेती करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता था लेकिन इस किस आ, किसानों का जो इसमें जो दमन और शोषण हो रहा था तो किसानों को उन्होंने एकता में बांधा और सत्याग्रह और अहिंसा के शस्त्र उन्हें दिए और उनको सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया जी तो सर ये तो रहा कि कैसे सत्याग्रह का जो सफ़र था वो शुरू हुआ अब इसके थोड़ा आगे और चलते हैं इसके बाद सर क्या हुआ क्योंकि हम देखते हैं कि गांधी कालखंड में भी Uh, कुछ ऐसे नेता थे जो बिल्कुल हिंसा के मार्ग पर चलते yes. थे कुछ ऐसे थे जिन्होंने हिंसा का भी रास्ता अपनाया हाँ. और uh, क्योंकि हम इसमें गांधी कालखंड के बारे में बात कर रहे हैं तो सर और क्या विशेषता रही इस कालखंड की हाँ तो uh, इस कालखंड में हम देखते हैं कि अलग अलग विचारधाराएं भारत के स्वतंत्रता के लिए अपनी कार्य क्षमता से लेकर योगदान दे रहे थे हुँ. जिसमें सशस्त्र क्रांति कारक इनका भी योगदान हमें मालूम होना चाहिए सशस्त्र क्रांतिकारी जो थे जैसे कि हम आ, आज, आ, आजाद हिंद सेना महानायक सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे युवा बिल्कुल और आ, आ, राजगुरु राजगुरु सुखदेव वीर सावरकर ये सारे जो क्रांतिकारी थे तो उनका एक अलग आयाम था उनकी कार्य पद्धति अलग थी ब्रिटिश सरकार की जो दमन नीति थी शोषण था अत्याचार था उनके पद्धति और स्वरूप से ही उनको जवाब दिया जाए ऐसा उनका मानना था इसीलिए इन्होंने शस्त्र का उपयोग किया और स्वतंत्रता योगदान को गति दी अपना योगदान दिया जैसे को तैसा <laughs> जी तो आगे बढ़ते हुए आ, गांधी के सत्याग्रह गांधी जी के सत्याग्रह में खेड़ा सत्याग्रह इसका भी हम समावेश कर सकते हैं जो कि गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने के हालत में नहीं थे वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए इसलिए महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और वहां के किसानों को आ, साथ में लाया और सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया और उसके आगे जाके और एक उदाहरण हम दे सकते हैं जो कि अहमदाबाद का सत्याग्रह था जो आ, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ जो कि एक मजदूर के लिए था सूती कापड़ कारखानों की जो मजदूर मजदूर थे तो उनके बीच उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन करने का आ, 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 मनस्व रखा उनको चलाने के लिए आ, सत्याग्रह चलाने के लिए प्रेरित किया और ये तीनों ही आंदोलन में महात्मा गांधी खूब अच्छे तरह से यशस्वी रहे और उनको आ, इस घटनाओं में आंदोलन में बहुत सारा सहयोग भारतीयों ने दिया ऐसा दिखाई देता है जी तो सर ये तो बात रही सत्याग्रह की अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसे येस। आ, कहते हैं सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं महात्मा गांधी को जब राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय सभा में आ, आ, उनका आ, योगदान शुरू हुआ तो उन्होंने सबसे प्रथम प्रथम था उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन किया जो असहयोग आंदोलन था ये राष्ट्रव्यापक आंदोलन था जिसकी पृष्ठभूमि जो थी तो उसमें कुछ हमें आ, जो घटक या घटनाएं जो है उनका आ, पहले अभ्यास करना चाहिए जो कि उसमें असहयोग आंदोलन के लिए वो कारण भी बने जो उसमें पहले था कि पहले विश्व युद्ध पहला जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 तक जी तक इसका भी परिणाम भारत पे बहुत सारा हुआ ऐसा दिखाई देता है जो कि क्या हुआ तो इस विश्व युद्ध में इंग्लैंड इस राष्ट्र का समावेश था जो कि अपने देश में ब्रिटिश सरकार थी और भारत ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को जबरन भर्ती उसमें किया था जी। दो ये जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारा आर्थिक नुकसान जो आ, हुआ था उसकी भरपाई के लिए उन्होंने भारतीयों पर अलग अलग स्तर के आयकर कि, आ, उसमें वृद्धि की जी जी। सीमा शुल्क में वृद्धि की इससे इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ के वस्तुओं के कीमत बढ़ गए जी जी। और इस कारण में एक आ, असंतोष फैला हुआ था और इसके बावजूद यहाँ पे फ्लू जैसे बीमारी भी फैल गई थी फसलों खराब फसल भी आ, आ गए कारण यहाँ पे मरी बढ़ी थी और इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने एक शोषक नीति अपनाई जो कि उनके कारण जो भी आर्थिक नुकसान हुआ था वो उसके भरपाई के लिए उन्होंने कर्ज लेना शुरू किया और यहाँ पे भारतीयों पे ज्यादा अतिरिक्त कर लागू करने की कोशिश या प्रयास किया जी। और इससे जो असंतोष भारतीयों में व्यापक स्तर से बड़ी हुई थी इसका रूपांतरण गांधी असहयोग आंदोलन में करना चाहते थे जी। और दूसरा इसी तरह का हम और एक कारण या घटना हम यहाँ देख सकते हैं खिलाफत आंदोलन जो कि पहले विश्व युद्ध के इस विषय से जुड़ने वाली ही यह घटना है जी। पहले विश्व युद्ध में तुर्कस्तान में तुर्कस्तान की हार हुई और तुर्कस्तान में जो खलीफा यह पद था जो कि मुस्लिम धर्म के अनुसार सबसे श्रद्धा वाला और सबसे महत्वपूर्ण जी महत्वपूर्ण स्थान था लेकिन उन्होंने उस स्थान को उखेट दिया और उसका महत्व कम कर दिया जी। तो महात्मा गांधी जो इस कारण जो मुस्लिम आ, उन पे गुस्सा थे या नफ़रत करते थे उनको राष्ट्रीय आंदोलन में लेने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन किया जी तो आ, सर क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है इसलिए हम इस सत्र में तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे yes. लेकिन आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा करी हमारे विद्यार्थियों को और दर्शकों को बताई और मुझे लगता है कि हम इसी सत्र का दूसरा भाग भी लेकर yes. आएंगे yes. 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 जिसमें हम आगे की जो जानकारियां हैं उन्हें कवर करेंगे yes. लेकिन सर आप हमारे स्टूडियो में आए आपने इतने अच्छे से इतने डिटेल में हमें जो ये भारत में जो राष्ट्रवाद है इसकी परिभाषा समझाई और कैसे विभिन्न आंदोलनों की शुरुआत हुई यह आपने हमें समझाया इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तो विद्यार्थियों और हमारे श्रोताओं फिलहाल हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे लेकिन आप इसका भाग दो ज़रूर देखिएगा ताकि हम उसमें आगे की जानकारी भी आपको दे सकें और फिलहाल समय है आपसे इजाज़त लेने का लेकिन जाने से पहले हम आपको एन सी ई बुक्स के रिगार्डिंग कुछ ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं एन सी की टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं अक्रॉस द कंट्री जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं हमारे डिफरेंट फिजिकल सेल्स काउंटर से साथ ही साथ आप इन बुक्स का ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और ये बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी बिना किसी शुल्क के अगर आप इन बुक्स की पीडीएफ वर्जन या फिर सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन कीजिए दीक्षा ऐप ई पाठशाला और एन वेबसाइट पर और हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा दूसरा लाइव एंड इंटरक्टिव सेशन जिसका टॉपिक होने जा रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पार्ट वन जी हाँ ये रहेगा मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत तो फिलहाल के लिए मुझे यानी हरप्रीत कौर को दीजिए इजाजत नमस्कार